Hello everyone, welcome to Social Friend. आज मैं एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू को कवर करूँगा और पिछले सेशन मैंने एक्सेल के होम मेन्यू को पूरा कवर किया है, वो एक घंटा आई थिंक 16 मिनट का है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप एक्सेल के ऑफिस वर्क को सीखना चाहते हैं प्रॉपरली तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ इंसर्ट मेनू, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवट टेबल। पिवट टेबल का मैंने एक इसको अलग से वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देखें। इससे रिपोर्ट बनाया जाता है, इसका पूरा यूज़ मैंने अलग से इसको दिखाया है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर टेबल ऑप्शन है, टेबल का भी मैंने यूज़ किया है। आप फॉर्म वाला सेशन देख सकते हैं जिसमें डेटा एंट्री मैंने बताया है, ठीक है। बस मैं नॉर्मली बता सकता हूँ कि कैसे करना है इसका काम। जैसे देखो, कोई हमें फॉर्म बनाना होगा डेटा एंट्री का, उस केस में हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और टेबल का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ बना लेते हैं। पहले लिखा सीरियल नंबर, और हम बना सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम और प्रोडक्ट, और यहाँ पर दे सकते हैं प्राइस दिया। और देखो, इसी को हमें टेबल बनाना होता है ना, जब भी हम इसको यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर 1 और कस्टमर का नाम लिखते हैं, जब कस्टमर का हम नाम लिखेंगे ना तो एक काम करते हैं, नाम लिखेगा तो हमें लिखा अतुल। और हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट नाम हम लिख देते हैं, ये है बोर प्लस, हम रख दिया इसको बोर प्लस, और उसका प्राइस हमने दे दिया, ये छोटा पैकेट आ रहा है 10। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये है ना, ये अगर हम टैब का इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये हमें आगे भेजेगा, लेकिन जब इसको हम टेबल फॉर्मेट में ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है कि यहीं से ये क्रॉस करके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसको सेलेक्ट करो आप हेडिंग को, और इसके बाद यहाँ पर टेबल ऑप्शन है, क्लिक करिए। यहाँ लिखा है टेबल, माई टेबल हैज़ हेडर, इस पर ओके करिए। देखिए अब ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे 1 और कस्टमर का नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं अतुल, और हमने लिखा प्रोडक्ट का नाम बोरो प्लस। अब देखो इसमें अगर हम देते हैं ना 10 रुपीज़, और टैब का इस्तेमाल करेंगे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा नीचे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं श्याम, यहाँ लिख सकते हैं पॉन्स, और इसका प्राइस आप जो देना चाहते हो वो दे दो, 20 या 15 जो भी दे दो 20। तो इस तरीके से ये डेटा बनता जाएगा, और आप तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर, तो पिक्चर का भी यूज़ क्यों करोगे, क्लिक करो और अपने जो स्टोरेज डिवाइस आपके पास है वहाँ से कोई भी पिक्चर आप इस पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कोई डेटा एंट्री का फॉर्म बना रहे हो, उसमें इमेज का रिक्वायरमेंट है, किसी का इमेज चाहिए फ़ोटो, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेज में दिखा दो, पहले मेरे पास फोटो लाइब्रेरी यहाँ पर है, जैसे इसे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक फोटो है, मैंने क्लिक किया और इंसर्ट किया। ये फोटो जब आ जाएगा तो इस फोटो को आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसको स्मॉल कर लो, ऐसे लगा दिया अपने, मतलब एक पर्सन का रिकॉर्ड कह सकते हैं इसको। और अगर इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पिक्चर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप ऑनलाइन पिक्चर मंगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, देखो यहाँ पे ऑफलाइन के लिए बात हो रहा है, तो ऑफलाइन कंप्यूटर्स मंगाएंगे
और दूसरा जो होगा हमारे पास इंटरनेट, तो इंटरनेट से हम सर्च करके डिफरेंट टाइप के इमेज लगा सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है शेप, शेप पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो आपने यूज़ किया हुआ एमएस वर्ड वगैरह में, यहाँ पे सेफ होता है ना, सेफ से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर एक बॉक्स चाहिए तो बॉक्स इस तरह ड्रॉ कर लो, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज़ करो। और यहाँ पर अगर कलर करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर कर सकते हो, इनमें से आप कोई भी कलर ऐड करो। कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लाइन भी दे सकते हो, इसका लाइन में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे डैसेज होंगे, डैसेज भी अप्लाई कर सकते हो जैसा आपका काम होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से हम क्या करेंगे, किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, यानी कोई भी हमारे पास ग्राफिकल मैटर हो, उस इसको हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो प्रोसेस लिखा हुआ है, कोई आपको एक प्रोसेस बताना है, या लिस्ट की बात करेंगे हम, या साइकिल की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे ये देखो यहाँ पर अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इस तरह से आप साइकिल भी बना सकते हैं। अगर हायरार्की मॉडल की बात करूँ मैं, तो हायरार्की मॉडल में आप दिखा सकते हो कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, उनके तीन दो पार्ट हैं, फिर उनके दो पार्ट हैं, उनके तीन पार्ट है, चार पार्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे हायरार्की मॉडल का हम यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे एक एग्जाम्पल देखना तो आप यहाँ पे लाइफ साइकिल यूज़ कर लो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ओके करो, देखो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें अकाउंट साइकिल की, तो अकाउंट साइकिल में कैसे कैसे वर्क करते हैं वो पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। या कोई अगर रिपोर्ट बना रहे हो आप बायोडाइवर्सिटी पर, तो बायोडाइवर्सिटी की बात कैसे करते हो आप, यहाँ लिखते हो ना, जैसे आपने देखा होगा बुक वगैरह में लिखा होता है ह्यूमन है, इसके बाद ह्यूमन किस चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है, ये सब चीज़ें इतने प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी पे, सेकेंडरी थर्ड, सेकेंडरी किस पे डिपेंड है, तो ये पूरा प्रोसेस बनाते हैं हम, ठीक है। यह मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ग्रास। देखो ग्रास किस, ग्रास की अगर बात करें तो ये डियर मतलब हिरन की बात करेंगे हम, और हिरन का शिकार कौन करता है, लैन, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, लैंड भूमि पे, शेर भूमि पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पूरा एक लाइफ लाइफ साइकिल रहेगा, और इसके लिए रैन चाहिए, ठीक है। अगर बारिश होगी तो भूमि, बारिश होगी तो यहाँ पे घास उगेगा, घास से होगा तो फिर जानवर खाएंगे, और इस प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी खाएगा, और सेकेंडरी प्रोडक्ट लैंड पे रहता है, तो दोनों केस में वही बात हुई। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर इसमें बॉक्स ऐड कराना चाहो तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करो ऐड अ शेप, तो एक और बॉक्स मिल जाएगा। अगर इसको प्रमोट करना चाहते हो, डिनोट करना चाहते हो, तो आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टेक अ स्क्रीन शॉट, तो क्लिक करो आप। अगर आप कोई देखो यहाँ पर कुछ, अगर हमने ओपन किया ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर, उसका हम इमेज लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है क्लिक करो। अगर इसकी बात करें तो ये डेस्कटॉप पे था, ये आ गया, तो ये मेरा आईडी है sabeel.ahmed.370। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट एक और लेना हो, तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग है, क्लिक करो। आपको मान लो किसी एरिया का रिक्वायरमेंट है, मान लो ये पावर पॉइंट ओपन है, पावर पॉइंट का आपको ये वाला सेक्शन चाहिए वीडियो वाला, तो इसको सेलेक्ट करो, तो क्या होगा, इसका ये इमेज मिल जाएगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट में इसको लगा सकते हो। देखो ये एक इमेज की तरह हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है स्टोर, देखो स्टोर को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और इसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इंटरनेट होगा और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा, तो आप वहाँ से और भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद ये आप देख रहे हो लिखा है माई एडेंस, ये भी इंटरनेट के माध्यम से यूज़ होगा, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए, प्ले स्टोर के साथ आप यूज़ करोगे। इसके बाद यहाँ देखो लिखा है चार्ट, तो चार्ट का अगर वीडियो समझना हो तो मैं इसको अलग वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, इसका एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ लिखा है हाइपरलिंक, देखो हाइपरलिंक बहुत ही कमाल का चीज़ होता है, दो फाइलों को जोड़ना हो ना,
तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ पाओगे। ठीक है, जैसे दो फाइल में जोड़ना मतलब क्या, अगर मैं चेयर दिखाता हूँ, हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एच, शॉर्टकट की इसका होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ रिपोर्ट, मैंने लिख दिया रिपोर्ट, यहाँ लिखते हैं हम सीरियल नंबर, हमने लिख दिया यहाँ पर रिपोर्ट नेम, और यहाँ लिख दिया हमने लोकेशन, यहाँ लिख दो सीरियल नंबर, कंट्रोल और इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको खींच ड्रैग कर दो। और रिपोर्ट नेम, जैसे कि आपने बहुत सारा काम किया अपने कंप्यूटर में, और उन रिपोर्ट का ना नाम जो होगा उसका नाम लिख के रख दो, उस पर एक लिंक एक्टिवेट कर दो सीधा सीधा, कि आप जब ये फाइल ओपन करो, कोई भी फाइल ओपन करना हो, जैसे इंडेक्स बनाया जाता है तो आप यहाँ से भी इंडेक्स बना सकते हो। मान लो कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट है 2018 का कोई प्रोजेक्ट, उसका नाम है, इस पर एक लिंक एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर हाइपर लिंक दिख रहा है, हाइपर लिंक पर आप क्लिक करो, सॉरी कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक होता है, सॉरी कंट्रोल एस से रिप्लेस होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखो हमें एक फाइल को हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें कोई फाइल ले सकते हैं। देखो इससे बहुत ही आसान होगा हमारे पास कि हम चाहें तो किसी फोल्डर को जोड़ सकते हैं, किसी पिक्चर को जोड़ सकते हैं, किसी ऑडियो को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक वीडियो हमारे पास है, हम इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है 2018 में। देखो इससे एक लिंक एक्टिवेट हो गया, और एक और मैं बना देता हूँ, लिख दिया यहाँ पे सॉन्ग लिस्ट, किसी भी फाइल को आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है हाइपरलिंक, दोबारा क्लिक करेंगे, इसमें से हम एक और फाइल को जोड़ेंगे। तो एक फाइल हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने ओपन किया एच ड्राइव, तो क्या लिखा है फाइल ऑफ एंटरटेन, तो हमने इस पर क्लिक किया और ओके करेंगे। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर कोई फाइल ओपन नहीं है, हम इस पर क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली, क्लिक किया यस करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो ओपन हो जाएगा। और हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ लिंक लगाया, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे यस करो, ये देखो फाइल खुल गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान होता है कि हम किसी भी वीडियो को किसी का भी लोकेशन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, और उसको हम सेव करके रख देंगे, इंडेक्स बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करो। जब हम चार्ट यूज़ करते हैं तो चार्ट पर कुछ लिखना होता है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं, और इससे भी हम तरीका हमारे पास है कि हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं यूज़ करके आपको बता दूँगा चार्ट में अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर की, तो हेडर फुटर यूज़ करने के लिए हम क्लिक करेंगे, जितना पोजीशन प्रिंट होकर आता है पेज पर वो उतने ही पार्ट में बढ़ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है ऐड हीडर, जैसे ही हम ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम या अपने शॉप का नाम, तो हर एक पेज पर वही नाम रिपीट हो जाएगा। इसे मैंने लिख दिया फ्रैंक सॉल्यूशन कंपनी, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, अब यहाँ हमने लिखा, यहाँ भी आ गया, तो ये हर एक पेज पे होगा। आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इधर जाता हूँ राइट साइड, तो ये हर एक पेज में दिखेगा, हमें दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो हर एक पेज पे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखो ये जो ऐसा मॉडल में रेडी हो जाए, हम डिज़ाइन भी जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा करेंट टाइम, तो हम करेंट टाइम भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हमें चाहिए करेंट डेट, तो हम क्लिक करके यहाँ पे करेंट डेट मंगा सकते हैं। अगर पेज नंबर की बात हो रही है, तो अगर पेज नंबर आप चाहते हो नीचे वाले कंटेंट में, तो बिल्कुल आप दे सकते हो। तो देखो ये ऑप्शन दे रहा है फूटर, तो फूटर पे आप क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, अगर आपको लगाना है पेज नंबर तो आप पेज नंबर पे क्लिक करो, ये देखो पेज नंबर लग गया, ठीक है, और इसको क्लिक करो। देखो इसको नॉर्मल करना है ना, तो बहुत ही आसान होता है, व्यू पे चले जाओ, यहाँ लिखा होगा नॉर्मल, नॉर्मल पर क्लिक करना, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।
अब इसको कंट्रोल F2 प्रेस करो। अब आपको यहाँ पर जो आपने यूज़ किया था वो पूरा पूरा दिखेगा। ये देखो ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है टाइम, ठीक है, यहाँ टाइम लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड सॉल्यूशन कंपनी का नाम, यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे है पीस नंबर। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इंसर्ट में नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टॉपिक का। यहाँ लिखा है वर्ड आर्ट, क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक किया, आप अगर कंपनी का नाम देना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड स्टाइल में देना चाहते हो तो ये काम आप कर सकते हो। यहाँ लिखा फ्रेंड सॉल्यूशन, इसको अपने ऐसे ऐड कर लिया। इसका जो फॉर्मेट देना चाहते हो आप यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हो, कंट्रोल यू, ये कंपनी का नाम ऐसे भी बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ऐड अ सिग्नेचर, क्लिक करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड सिग्नेचर, यहाँ पे ऑप्शन देता है कि किसका, जिसका हमें नाम बनाना है। हमने बना दिया सोशल फ्रेंड का, एक बनाना हमें सोशल फ्रेंड। यहाँ पे सिग्नेचर टाइटल क्या होना चाहिए, किसका, मैनेजर या डायरेक्टर, तो लिख सकते हो डायरेक्टर। और ईमेल देना चाहते हो तो बिल्कुल दे दो, वहाँ पे ईमेल यहाँ से दे सकते हो आप, ईमेल जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख दो जो ईमेल देना चाहते हो, और यहाँ पे ओके कर दो। ये आपको दिख रहा है सोशल फ्रेंड डायरेक्टर। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें, यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए, ओके करो। और यहाँ देखो आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो ढंग का कोई भी, ठीक है, जो आप करना चाहो। और इसको कट करो, जैसे आप कट करोगे यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। इस सिग्नेचर को आप यहाँ पे मंगाना चाहते हो बिल्कुल मंगा सकते हो, यहाँ इसको रख दो। और यहाँ पे फॉर्मेट पे आप चले जाओ, यहाँ लिखा है सेंड टू, दो ये अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये भी पिक्चर है ये भी पिक्चर है, तो इसके लिए मैं करना क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेंड टू बैक, चेक कर लेते हैं। ये दो इमेज है, दो इमेज एक पे नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, ये दो सिग्नेचर आसपास नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ये एमएस वर्ड में हो जाता है, यहाँ पर अभी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर सेट कर लो। ठीक है, ये हमारा सिग्नेचर बन गया, इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल जो होते हैं ना, ये कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं, तो हम यहाँ पर कोई फार्मूला अगर रिक्वायरमेंट है तो क्लिक करो, आपको ये मिल जाएगा पूरा पूरा, इसका इस्तेमाल कर लो आप। इसके बाद यहाँ पे फिर से वापस जाओ, इक्वेशन में क्या होगा, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले होंगे, वो सब यहाँ पे हमें मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंबल, सिंबल पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे सिंबल बहुत सारे मिलेंगे हमें, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करना, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर विबडिंग्स, यहाँ पे नीचे में आएंगे, ये लिखा है विबडिंग्स, क्लिक करो आप। देखो इनमें से जो भी अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, इंसर्ट करो आप। अगर इसमें से कोई फिगर चाहिए तो आपने इसको भी क्लिक किया, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जो रिक्वायरमेंट होगा हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। देखो ये आ गया, इसको क्लिक करो, ये एक फॉन्ट की तरह होता है, इसको हम बड़ा कर लेंगे ऐसे, इस
इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे ये आ चुका। ठीक है, यदि आप एक्सेल का पूरा वीडियो सीखना चाहते हैं, एक्सेल का पूरा कोर्स, तो आप सोशल फ्रेंड चैनल पर जा करके, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चैनल है सोशल फ्रेंड, मैं नीचे लिखा भी है, आप इस चैनल पर जा करके पूरा पूरा वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एमएस एक्सेल। ठीक है, ये रहा वीडियो का एंड।